नमस्कार, रोल एक्सप्लोर स्टूडियोज में आपका स्वागत है। ये रोल एक्सप्लोर स्टूडियोज का यूट्यूब चैनल है और हमने अपने चैनल पे एक नया कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है कहानी सुनिए। कहानी सुनिए कार्यक्रम में हम आपको देश भर के चुनिंदा लेखकों की रचनाएं सुनाएं। तो आइए आज सुनते हैं सादत हसन मंटो का लिखा आर्टिस्ट लोग। जमीला को पहली बार महमूद ने बागे जिन्ना में देखा। वो अपनी दो सहेलियों के साथ चहलकदमी कर रही थी। सबने काले बुरके पहने थे मगर नकाबे उल्टी हुई थी। महमूद सोचने लगा, ये किस किस्म का पर्दा है कि बुरका ओढ़ा हुआ है मगर चेहरा नंगा है? आखिर इस पर्दे का मतलब क्या है? महमूद जमीला के हुस्न से बहुत मुतासिर हुआ। वो अपनी सहेलियों के साथ हंसती खेलती जा रही थी। महमूद उसके पीछे चलने लगा। उसको इस बात का कतई होश नहीं था कि वो एक गैर अखलाकी हरकत से मुर्तकिब हो रहा है। उसने सैकड़ों मरतबा जमीला को घूर घूर के देखा। इसके अलावा एक दो बार उसने अपनी आंखों से इशारे भी किए मगर जमीला ने उसे तरखून इतना न समझा और अपनी सहेलियों के साथ बढ़ती चली गई। उसकी सहेलियां भी बहुत खूबसूरत थी मगर महमूद ने उसमें एक ऐसी कशिश पाई जो लोहे के साथ मकनातीस होती है। वो उसके साथ चिमट कर रही है। एक जगह उसने जुर्रत से काम लेकर जमीला से कहा, हुजूर अपना नकाब तो संभालिए, हवा में उड़ रहा है। जमीला ने यह सुनकर शोर मचाना शुरू कर दिया। इस पर पुलिस के दो सिपाही जो उस वक्त बाग में ड्यूटी पर तैनात थे दौड़ते हुए आए और जमीला से पूछा, बहन क्या बात है? जमीला ने महमूद की तरफ देखा जो सहमा हुआ खड़ा था और कहा, ये लड़का मुझसे छेड़खानी कर रहा है। जब से मैं इस बाग में दाखिल हुई हूँ ये मेरा पीछा कर रहा है। सिपाहियों ने महमूद का सरसरी जायजा लिया और उसको गिरफ्तार करके हवालात में दाखिल कर दिया, लेकिन उसकी जमानत हो गई। अब मुकदमा शुरू हुआ। उसकी रोयदाद में जाने की जरूरत नहीं, इसलिए कि ये तफसील तलब है। किस्सा मुख्तसर ये है कि महमूद का जुर्म साबित हो गया और उसे 2 माह कैद बामुशक्कत की सज़ा मिल गई। उसके वालिदैन नादार थे इसलिए वो सेशन की अदालत में अपील न कर सके। महमूद सख्त परेशान था कि आखिर उसका कसूर क्या है? अगर उसको एक लड़की पसंद आ गई और उसने उससे चंद बातें करना चाही तो क्या ये जुर्म है जिसकी बादाश में वो 2 माह कैद बामुशक्कत भुगत रहा है? जेलखाने में वो कई मरतबा बच्चों की तरह रोया। उसको मुसफरी का शौक था लेकिन उससे वहाँ चक्की पिसवाई जाती थी। अभी उसे जेलखाने में आए 20 रोज ही हुए थे कि उसे बताया गया कि उसकी मुलाकात आई। महमूद ने सोचा कि ये मुलाकात ही कौन है। उसके वालिद तो उससे सख्त नाराज थे, वालिदा अपाहिज थी और कोई रिश्तेदार भी नहीं थी। सिपाही उसे दरवाजे तक ले गया जो आहनी सलाखों का बना हुआ था। उन सलाखों के पीछे उसने देखा कि जमीला खड़ी। बहुत हैरत ज़दा हुआ। उसने समझा शायद किसी और को देखने आई होगी मगर जमीला ने सलाखों के पास आकर उससे कहा, मैं आपसे मिलने आई। महमूद की हैरत में और इजाफा हो गया। उसने कहा, मुझसे? जी हाँ, मैं माफ़ी मांगने आई हूँ कि मैंने जल्दबाजी की जिसकी वजह से आपको यहाँ आना पड़ा। महमूद मुस्कुराया। हाय इस जुदे पशेमा का पशेमा होना, जमीला ने कहा, यह गालिब है। जी हाँ, गालिब के सिवा कौन हो सकता है जो इंसान के जज्बात की तर्जुमानी कर सके। मैंने आपको माफ़ कर दिया लेकिन मैं यहाँ आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता इसलिए कि ये मेरा घर नहीं सरकार का है, इसलिए मैं माफ़ी का वास्तकार हूँ। जमीला की आंखों में आंसू आ गए। मैं आपकी खादिमा हूँ। चंद मिनट उनके दरमियान और बातें हुई जो मोहब्बत के हदो पैमान थी। जमीला ने उसको साबुन की एक टिकिया दी, मिठाई भी पेश की। इसके बाद वो हर 15 दिन के बाद महमूद से मुलाकात करने के लिए आती रही। इस दौरान में इन दोनों की मोहब्बत उस्तवार हो गई। जमीला ने महमूद को एक रोज़ बताया, मुझे मौसीकी सीखने का शौक है।
आजकल मैं खान साहब सलाम अली खान से सबक ले रही। महमूद ने उससे कहा, मुझे मुसाफिरी का शौक और मुझे यहाँ जेल खाने में और कोई तकलीफ नहीं। मशक्क़त से मैं घबराता नहीं, लेकिन मेरी तबीयत जिस फन की तरफ मायल है उसकी तस्कीन नहीं होती। यहाँ कोई रंग है न रोगन, कोई कागज़ है न पेंसिल, बस चक्की पीसते रहो। जमीला की आंखें फिर आंसू बहाने लगी। बस अब थोड़े दिन बाकी रह गए थे, आप बाहर आ जाएं तो सब कुछ हो जाएगा। महमूद 2 माह की कैद काटने के बाद बाहर आया तो जमीला दरवाजे पर मौजूद थी। उस काले बुरके में जो भूसला हो गया था और जगह जगह से फटा हुआ था। दोनों आर्टिस्ट थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि शादी कर लें। चुनांचे शादी हो गई। जमीला के माँ बाप कुछ असासा छोड़ गए थे, उससे उन्होंने एक छोटा सा मकान बनाया और पुरमसरत जिंदगी बसर करने लगे। महमूद एक आर्ट स्टूडियो में जाने लगा ताकि वो अपनी मुसव्वरी का शौक पूरा करे। जमीला खान साहब सलाम अली खान से फिर तालीम हासिल करने लगी। 1 बरस तक वो दोनों तालीम हासिल करते रहे। महमूद मुसव्वरी सीखता रहा और जमीला मौसीकी। उसके बाद सारा असासा ख़त्म हो गया और नौबत फाकों पे आ गई, लेकिन दोनों आर्ट शायद ही थे। वो समझते थे कि फाके करने वाले ही सही तौर पर अपने आर्ट की मिराज तक पहुंच सकते, इसलिए वो अपनी इसी मुफलिसी के ज़माने में भी खुश थे। एक दिन जमीला ने अपने शौहर को ये मुद्दा सुनाया कि उसे एक अमीर घराने में मौसीकी सिखाने की ट्यूशन मिल रही। महमूद ने यह सुन के कहा, नहीं, ट्यूशन व्यूशन बकवास है, हम लोग आर्टिस्ट हैं। उसकी बीवी ने बड़े प्यार से कहा, लेकिन जान गुजारा कैसे होगा। महमूद ने अपने फूसड़ निकले कोट का कॉलर बड़े अमीराना अंदाज में दुरुस्त करते हुए जवाब दिया, आर्टिस्ट को इन फिजूल बातों का ख्याल नहीं रखना चाहिए। वह हम आर्ट के लिए ज़िंदा रहते हैं, आर्ट हमारे लिए ज़िंदा नहीं रहता। जमीला ये सुनकर खुश हुई। लेकिन मेरी जान, आप मुसव्वरी सीख रहे हैं, आपको हर महीने फीस अदा करनी पड़ती है, उसका बंदोबस्त भी तो कुछ होना चाहिए, फिर खाना पीना है, उसका घर चलाएगा है। मैंने फ़िलहाल मुसव्वरी की तालीम लेनी छोड़ दी है, जब हालात मुआफिक होंगे तो देखा जाएगा। दूसरे दिन जमीला घर पर आई तो उसके पर्स में 15 रुपये थे जो उसने अपने खाविंद के हवाले कर दिए और कहा, मैंने आज से ट्यूशन शुरू कर दी, ये 15 रुपये मुझे पेश ही मिले। आप मुसव्वरी का फ़न सीखने का काम जारी रखें। महमूद के मर्दाना जज्बात को बड़ी ठेस लगी। मैं नहीं चाहता कि तुम मुलाजमत करो, मुलाजमत मुझे करना चाहिए। जमीला ने एक खास अंदाज में कहा, हाय, मैं आपकी गैर हूँ। मैंने अगर कहीं थोड़ी देर के लिए मुलाजमत कर ली है तो इसमें हर्जी क्या है? बहुत अच्छे लोग हैं, जिस लड़की को मैं मौसीकी की तालीम देती हूँ बहुत प्यारी और ज़हीन है। यह सुनकर महमूद खामोश हो गया। उसने मजीद गुफ्तगू ना की। उस हफ्ते के बाद वो भी 25 रुपये लेकर आया और अपनी बीवी से कहा, मैंने आज अपनी एक तस्वीर बेच दी, खरीदार ने बहुत पसंद किया लेकिन खसीस था, सिर्फ 25 रुपये दिए। अब उम्मीद है कि मेरी तस्वीरों के लिए मार्केट चल निकली। जमीला मुस्कुराई, तो फिर काफ़ी अमीर आदमी हो जाएंगे। महमूद ने उससे कहा, जब मेरी तस्वीरें बिकना शुरू हो जाएंगी तो तुम्हें ट्यूशन नहीं करने दूंगा। जमीला ने अपने खाविंद की टाई की गिरह दुरुस्त की और बड़े प्यार से कहा, आप मेरे मालिक हैं, जो भी हुक्म देंगे मुझे तस्लीम होगा। दोनों बहुत खुश थे, इसलिए कि वो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। महमूद ने जमीला से कहा, तुम कुछ फिक्र ना करो, मेरा काम चल निकला है, 4 तस्वीरें कल परसों तक बिक जाएंगी और अच्छे दाम वसूल हो जाएंगे, फिर तुम अपनी मौसीकी की तालीम जारी रख सकोगे। एक दिन जमीला जब शाम को घर आई तो उसके सर के बालों में धुनकी हुई रुई का गुबार इस तरह जमा था जैसे किसी अधेड़ उम्र आदमी की दाढ़ी में सफेद बाल। महमूद ने उससे इस्तफसार किया, ये तुमने अपने बालों की क्या हालत बना रखी?
मौसीकी सिखाने जाती हो या किसी जंग फैक्ट्री में काम करती हो? जमीला ने, जो महमूद की नई रजाई की पुरानी रुई को धुनक रही थी, मुस्करा कर कहा, हम आर्टिस्ट लोग, हमें किसी बात का होश नहीं रहता। महमूद ने हुक्के की नए मुंह में लेकर अपनी बीवी की तरफ देखा और कहा, होश वाकई नहीं रहता। जमीला ने महमूद के बालों में अपनी उंगलियों से कंघी करना शुरू की। ये धमकी हुई रुई का गुबार आपके सर में कैसे आ गया? महमूद ने हुक्के का एक कश लगाया, जैसा कि तुम्हारे सर में मौजूद, हम दोनों एक ही जंग फैक्ट्री में काम करते हैं, सिर्फ आर्ट की खातिर। तो ये थी कहानी आर्टिस्ट लोग, जिसे लिखा था सादत हसन मंटो ने। आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं, आप उसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अच्छी लगती हैं तो आप अपने दोस्तों के बीच हमारे चैनल रोल एक्सप्लोर स्टूडियोज़ के बारे में बताएं और उनको भी शामिल करें। शुक्रिया।